इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा तहे दिल से। सवाल मेरा यह है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ और मैं नॉन वेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाई बर्थ चला आ रहा है, बट माई सोल इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता, हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मैं तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है, नॉनवेज दिल संतुष्ट है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना, हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब, शुरू हुआ है? नहीं नहीं, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है, आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती दर्द होना चाहिए ना, तो पेड़ पौधे को चोट होती आपको दर्द नहीं होता है, कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं, हमारा ये है इसलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, आठवीं गलत फहमी गोश्त के बारे में, मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुभोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं बोलता हूं। मैं तो आप भाजीपाला क्यों खाएंगे फिर? भाजीपाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जरासीम जाते हैं आपके जिस्म में, जरासीम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है, आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे, कैसे इंसान है आप, जवाब दो, आप कातिल है? ठीक है, जो नहीं दिखता है उसमें नहीं, ठीक है क्या ठीक नहीं है, नहीं दिखता है का मतलब अपने ट्रेडिशन को, जैसा हम लोग पैदा होते हैं जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है उसी को हम फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, क्या मैं मानूं? नहीं, मैं तो मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं थोड़ा मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है, साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होते मत खाइए, साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे कुछ सही कहते थे कुछ गलत कहते थे, जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते उसे छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुतपरस्ती गलत है या सही है? मैं 100% तो उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। नहीं, गलत है या सही है, मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते, आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है? नहीं, 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 आप नहीं करते, अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूँ इससे सही है, तो ये सही दलील है? नहीं नहीं नहीं, चोरी वो नहीं, मैं कहता हूँ कहा गया है, मैं पूछता हूँ, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूँ इसलिए सही, आप दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है इसलिए हम उसको गलत, आपके किताब में साफ तौर से किसी का अहित होता है, किसी का अहित होता है। भाई साहब आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे? मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता, इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी पूछ रहा हूँ, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 घंटे से इधर है, अभी अवेयर नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, सवाल जवाब सुन चुके हैं, इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का उपनिषद का वो मैंने लिखा अभी, अभी माश लिख लिए तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप घर पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए और तर्जुमा पढ़िए वेद का जी, आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए, तर्जुमा के जरिए इंशाल्लाह हिदायत पाएंगे जी, जरूर। क्वेश्चन, थैंक यू।